देश भर में चल रहे अग्निपथ भर्ती के विरोध के बाद अब मुरादाबाद में भी इसका विरोध होना शुरू हो गया है। विरोध के चलते मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा विरोध किया गया और प्रदर्शन का राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया गया। प्रदर्शन कर रहे RLD के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ से जो योजना सैनिक भर्ती के नाम से शुरू कर रही है उसको जनहित में तुरंत वापस लें, क्योंकि इससे नौजवानों के भविष्य एवं आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत की गौरवशाली सेना का मनोबल गिरेगा और 4 साल के बाद नौजवान सड़कों पर बेरोजगार होकर घूमेगा। सरकार की योजना नौजवानों के हित में नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले। साथ ही कहा कि जिन अभ्यर्थियों की कोरोना के कारण उम्र निकल गई है उनको सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की छूट दी जाए। क्या मांगे रही हैं आप? आज की जो मुख्य मांग है, जो पिछले 3-4 वर्षों से इस देश का नौजवान एक सपना देख रहा था एक जज्बात के साथ कि वो देश सेवा के लिए आर्मी में जाएगा, और आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही थी, लेकिन भारत की सरकार ने, इस भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने उन नौजवानों के साथ छल करते हुए अग्निपथ नाम से 4 साल की एक योजना निकाली है जो 100% नौजवानों के भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। उसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने आज जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और 10 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर ये योजना वापस नहीं ली गई तो राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा पंचायत करने का काम करेगा, जिसकी पहली पंचायत 28 तारीख को शामली में होगी और 9 तारीख को मुरादाबाद में होगी। क्या गया है और ज्ञापन कब आ गया है? देखिए, जो अग्निपथ नाम से कानून लाए हैं, केंद्र सरकार जो लाई है, उसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने यह आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और हमारी मांग ये है कि ये जो कानून लाए हैं, 4 साल में मिलिट्री के जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा, उसकी मांग को, जो कानून है उसको ख़त्म किया जाए तत्काल, जिससे कि 3 साल से रोजगार बिल्कुल युवाओं को मिला नहीं है, युवा रोजगार परेशान है। अब ये नया कानून लिया है, चुनाव सिर पे हैं कि 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद युवा घर लौट जाएगा, कहाँ जाएगा, आत्महत्या करेगा, परेशान हो जाएगा। उसी की मांग को लेकर ये राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि ये कानून वापसी होना चाहिए, युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, 4 साल के बाद अगर किसी का बच्चा नौकरी पे लगेगा और उसको पता है 4 साल के बाद नौकरी छूट जाएगी, क्या क्या उसकी शादी कर पाएगा कोई? और क्या क्या मतलब सुविधा मिलेगी उसको? 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी उसकी और 3.5 साल नौकरी करेगा, क्या वापसी आके जिले में उसको कहीं नौकरी मिल जाएगी? हर साल मिलिट्री के जवान 55,000 रिटायर होते हैं, क्या 2% लोग भी नौकरी पा पाते हैं किसी विभाग में? लेकिन कम से कम उनको पेंशन मिलती है, पूरी नौकरी करके आते हैं, अपने घर का गुजारा बस बसर कर लेते हैं। 4 साल में युवा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं, युवाओं के साथ अत्याचार कर रही है, धोखा कर रही है। युवा जाग चुका है, अब आने वाले 2024 में युवा इसका एहसास करा देगा केंद्र सरकार को। अब तक जो है हिंदू मुस्लिम करते करते पूरे देश में रोजगार के हाथ में नाम पर कटोरा थमा दिया, उसी के विरोध में हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है शांतिपूर्वक, जिससे कि हमारा विरोध दर्ज हो और ये काले कानून वापिस हो। धन्यवाद।